हेलो एवरीवन, माय नेम इज विष्णु। वेलकम टू ट्रेडिंग विद गुप्ता। मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का एंड उसके बाद एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 40,546 के आसपास और इसने हाई लगाया 40,681 के आसपास और इसने लो लगाया 40,533 के आसपास और ये क्लोज हो गया 40,561 पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी पे कहां कहां पे हमें ट्रेड मिल रहा था, कहां पे ट्रेड लेना चाहिए था एंड कहां पे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था। तो इसके लिए सबसे हम प्रीवियस डे का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ कर लेंगे और प्रीवियस डे का टेक्निकल एनालिसिस देख लेंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि आज हमें कहां पे ट्रेड लेना चाहिए था एंड कहां पे नहीं। अगर आप प्रीवियस डे पे देखोगे तो प्रीवियस डे पे ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो ये हो गया प्रीवियस डे के लिए एक रेजिस्टेंस लाइन। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। प्रीवियस डे पे यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन हो गया बैंक निफ्टी के लिए। और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा देर के लिए कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे भी एक मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन हो गया बैंक निफ्टी के लिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे का एनालिसिस एंड इसके बेसिस पे देखेंगे आज हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था एंड कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। तो इसके लिए चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर लिया है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ओपन होने के साथ 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बनाता है एंड उसके बाद ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये जो मेरा सपोर्ट लाइन था ये सपोर्ट पे आके टच करके यहाँ पे एक हैमर का जैसा कैंडल बनता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ऊपर गया। तो ये हैमर का कैंडल बनने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि बायर का प्रेशर, तो देन यहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए एंड आपको यहाँ पे आपका पहला टारगेट यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे मिल जाता। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते 40,553 पे तो आपका यहाँ पे इजीली टारगेट 40,631 का मिल जाता। ये तो हो गया हमारा पहला ट्रेड। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस से एक रेड कैंडल बना एंड उसके बाद फिर एक छोटा सा रेड कैंडल बना। बस इस रेड कैंडल के बनने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी थी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस रेड कैंडल में बायर एंड सेलर दोनों का इक्वल प्रेशर है। ये एक डोजी कैंडल के जैसा है, तो हमें कोई भी एक कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए था, तो ही हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अगर जाके रुकता प्राइस तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे फिर से ट्रेड लेते। यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए फिर मार्केट कंसोलिडेशन हुआ एंड फिर यहाँ पे उसके बाद एक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया एंड फिर यहाँ पे ऊपर आके फिर से नीचे आ गया एंड फिर ऊपर जाके नीचे। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ये 40,518 से लेके 40,531 और 40,550 के बीच में ये कंसोलिडेट करता रहा पूरा दिन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज के लिए कोई खास ट्रेड था नहीं, तो आज अगर आप स्कैल्पिंग करते देन आपके लिए बेटर था। देन आप इस जोन के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते थे। जैसे ये सपोर्ट पे आता आपको यहाँ पे बाय करना था, जैसे ये रेजिस्टेंस पे आता फिर यहाँ से आपको सेल करना था। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए कल का लेवल क्या, आज का लेवल क्या था, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल का क्या लेवल बन रहा है, कल कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कल कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। इसके लिए सबसे पहले मैं ये लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ये लाइन डिलीट कर दिया है। और अगर आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी यहाँ पे बार बार आके सपोर्ट ले रहा है 40,550 के आसपास, ये बार बार आके सपोर्ट ले रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ 40,550 पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं 40,544 के आसपास एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने एंड इसका रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस जोन बनाना चाहूँगा जो कि इससे बेटर होगा। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से लेके इसके वीक पे को आपको टच करना है एंड यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है देन यहाँ पे आपको कॉल को बाय करना है। बट अगर इस सपोर्ट यहाँ पे जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है 5 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देन यहाँ पे फिर से आपको बाय करना है। बट अगर ये सपोर्ट लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है 40,561 के आसपास अगर इसे ब्रेक करके नीचे आता है देन यहाँ पे आपको पुट को बाय करना है। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए कल का लेवल। और इसके इस पर कुछ खास एनालिसिस मुझे दिख नहीं रहा कल के लिए, तो यही एक लेवल हो गया बैंक निफ्टी के लिए।
अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था एंड कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे निफ्टी को ओपन कर लिया हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैं सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद अगर आप देखोगे तो कल जो बैंक निफ्टी का जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये देख रहे हो ये रेजिस्टेंस लेवल, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही। तो ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल हो गया कल के लिए। तो अगर आप आज देखोगे तो आज बैंक निफ्टी यहाँ इसके नीचे थोड़ा सा ओपन हुआ एंड उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया एंड फिर यहाँ पर थोड़ा देर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर फिर ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था उसको ये ब्रेक किया एंड उसके बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना। देन यहाँ पे आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे एंड आपके ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे आपको ईजली लगभग कितना पॉइंट का आपको मिल जाता, 17935 और यहाँ पे कितना 17968। तो यहाँ पे 30 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल जाता। हालांकि निफ्टी में हमें ज़्यादा मूव मिलता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेता हूँ और दूसरों को भी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेने के लिए प्रेफर करता हूँ। बट बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ के केयरफुल रह के ट्रेड लेना होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आके ऊपर पे जाके यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया एंड यहाँ से आने रेजिस्टेंस लेने के बाद ये फिर वापस नीचे आया। तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया। ये रेजिस्टेंस लाइन पे अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस लेने के बाद ये वापस से नीचे आया एंड फिर यहाँ से वापस से ऊपर गया एंड फिर ये जैसे ही रेजिस्टेंस लाइन के पास गया फिर एक रेड कैंडल बना। अगर आप चाहते तो फिर यहाँ पे सेल कर सकते थे, आई मीन पीई को बाय कर सकते थे एंड आपको इजीली यहाँ पे छोटा सा एक टारगेट मिल जाता। एंड इसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बना एंड ऊपर गया। ये कैंडल अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके एक छोटा सा ग्रीन कैंडल ऊपर बना, बट उसके बाद फिर से एक रेड बड़ा सा रेड कैंडल बना और फिर ये मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया। जैसे ये बड़ा एक रेड कैंडल बना रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने के बाद, रेड कैंडल बन के फिर रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के वो नीचे आया। देन यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ने के बाद यहाँ पे आपको और एक ट्रेड ले लेना चाहिए था एंड आपको यहाँ पे इजीली आपको अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट मिल जाता। तो ये हो गया कि निफ्टी में आज के लिए क्या लेवल था। अब देखते हैं कि निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल है, कल कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है और कल कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, कल कब हमें पुट बाय करना है, कब कॉल बाय करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी के लिए 17972 ये एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया। 17972 ये एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया निफ्टी के लिए। एंड अगर आप इसका सपोर्ट देखोगे तो इसका सपोर्ट यहाँ पे समथिंग कुछ सपोर्ट होगा इसका, यस ये हो गया सपोर्ट, 17931 निफ्टी के लिए सपोर्ट हो गया। अगर निफ्टी 17931 को ब्रेक करके नीचे आता है देन यहाँ पे आपको पुट को बाय करना है एंड आपका टारगेट आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। एंड जैसे ही 17931 पे निफ्टी सपोर्ट लेके देन यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होता है देन यहाँ पे आपको कॉल को बाय करना है। एंड अगर निफ्टी 17972 को ब्रेक करके ऊपर जाता है देन यहाँ पे फिर से आपको कॉल को बाय करना है। और अगर निफ्टी 17972 पे फिर से आके रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस मिलने के लेने के बाद ये ग्रीन ये एक रेड कैंडल बना के नीचे आता है 1 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देन यहाँ पे आपको फिर से पुट को बाय करना है। तो ये हो गया निफ्टी के लिए कल का लेवल। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाले एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एनालिसिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कीजिए।